भाई अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है कार का, कांच पूरे झड़ गए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सागर, फिर से स्वागत करता हूं आपका एक बढ़िया से वीडियो में। और लास्ट वीडियो आपने देखा, हमने केदारनाथ भगवान के दर्शन किए और होटल में आए। उसके बाद मौसम खराब हो गया था तो नीचे उतरते उतरते ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं हो पाया, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो गया। तो अभी हम हैं सोनप्रयाग में, सोनप्रयाग से जा रहे हैं बद्रीनाथ। तो होटल छोड़ दिया है, अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि इतना ज़्यादा थके थे। चाल देख लो, सीढ़ियाँ उतरते नहीं बन रही, इतना ज़्यादा थक गए। ये देखो, ये व्यक्ति देख रहे हो ना कैसे उतर के आ रहा है, और ऐसे ही मैं भी उतर रहा हूँ बड़ी मुश्किल से। तो अब सीधे बस स्टैंड चलते हैं, कैसा क्या माहौल है वो दिखाते हैं। जाते एक बार सोनप्रयाग का नज़ारा देख लो, एक नज़ारा और दिखाने जाऊँगा। क्योंकि जब हम केदारनाथ के लिए जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन आपको यहीं से कराना होता है, तो वो लाइन कहाँ थी, बिल्कुल पास में। और आज लाइन कहाँ है वो आप देख लो, ये यहाँ से चालू हुई जब हम थे, वहीं लाइन थी और फटाक से हमने अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा दिया था। और आज लाइन देखो, किलोमीटर तक की लाइन लग गई यहाँ। लाइन की कतार देख रहे हो, जब हम परसों के दिन आए थे तो कुछ भी लाइन ही नहीं थी, ज़्यादा 5 मिनट लगे होंगे हम लोगों को। और आज लाइन कम से कम 2 किलोमीटर तक की लाइन है सिर्फ रजिस्ट्रेशन चेक कराने के लिए। बाप रे, और ये पार्किंग है सोनप्रयाग की। अगर अपन टू व्हीलर या अपनी पर्सनल कार वगैरह से आते हैं तो यहीं पार्क करना, यहाँ से कोई साधन नहीं जाता आगे, यहाँ तक आना पड़ेगा आपको। भाई जो भी होता है ना, अच्छा होता है, भगवान बहुत अच्छा करता है, दर्शन अच्छे मिले, ना कहीं लाइन मिली, ना कहीं परेशानी मिली, लगी लगी गाड़ियाँ मिली, मतलब किसी भी चीज़ की हमें परेशानी नहीं आई। तो लाइन देख रहे हो ना, ये रजिस्ट्रेशन वाली, ये बहुत ज़्यादा लंबी है, जितनी मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा हूँ, वो लंबी लंबी लाइन दिखती जा रही है। ये सब श्रद्धालु हैं, अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराएंगे, उसके बाद निकलेंगे बाबा केदार के दर्शन करने। हम तो जा रहे हैं बद्रीनाथ। लाइन ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार, रजिस्ट्रेशन चेक कराने की लाइन। बाप रे, ये है सीतापुर बस स्टैंड जो कि सोनप्रयाग में है, यहीं से जाएगी बद्रीनाथ के लिए बस। और भी जगह जाना है तो आप यहीं आना पड़ेगा आपको। अब नीचे जाते हैं, बस का पता करते हैं। तो भाई फाइनली 3 घंटे बाद हमारी बस रुकी है, और देखो बारिश कंटिन्यू चालू है। बस सुबह सुबह जब हम रूम से निकले थे जब उसी समय बंद थी, और अभी बारिश भी है और बादल देखो कितने पास बादल आ रखे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बद्रीनाथ पे मौसम काफ़ी बढ़िया रहेगा, ठंडा भी रहेगा। ठंडा तो अभी भी देखो, जैकेट पहने हुए हैं, इतना ज़्यादा नहीं है जितना केदारनाथ में था। बद्रीनाथ में कैसा है वो देखते हैं, आप इधर रुके हैं क्या खाते हैं वो देखते हैं। लेकिन पहाड़ों में आओ तो मैगी मैगी सब मैगी मैगी मिलती, बाकी कुछ समझ में आता नहीं है। चलते हैं देखते हैं फिर। जी बिल्कुल प्लेन थाली, चलो एंजॉय करो, खाते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। भाई बस चलने के लिए तैयार है, खाना कंप्लीट हो गया। मात्र 220 रुपये में एक प्लेन थाली और मसाला डोसा, बताओ इतने पहाड़ में भी और क्या सस्ता मिलेगा, अपने इधर भी उतना ही मिलता है। चलो अब चलते हैं, मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया है, बाहर का कुछ दिखा नहीं पा रहा, मौसम इतना ख़राब है, कांच पूरा ब्लर ब्लर हो रहा है, तो कांच लगा के रखना पड़ रहा है। भाई अभी अभी एक्सीडेंट हुआ है कार का, और यहाँ पे मैं बैठा हुआ था बिल्कुल सामने, बच्चों को चोट नहीं लगी मेरे को। अरे चलो कहाँ जा रहे हो? ये कांच पूरा झड़ गए ओवरटेक के चक्कर में, बिल्कुल सामने ही था और वो तो मेरे देख लिए, टकराई गाड़ी तो पीछे आ गया मैं, एकदम बहुत तेज टकराई गाड़ी, पूरा कांच वाच टूट गया। तो अगला वाला देखा नहीं देखा, नहीं एक सुनिए, तो भाई यहाँ से टकराई गाड़ी है, यहाँ पे सॉरी ये पूरी बैंड हो गई गाड़ी, और मैं यहाँ बैठा हुआ था। चलो भाई गुड मॉर्निंग, फिर हो गई एक नए दिन की शुरुआत। आपको पता ही था रात को गाड़ी का
एक्सीडेंट हो गया था और हम सुबह उठने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए, और अभी हमें बद्रीनाथ जी के और माना गाँव को एक्सप्लोर करना है, और उसके बाद हमको अब यहीं रुकना पड़ेगा, एक दिन और बर्बाद हो गया, क्योंकि सुबह 7 बजे तक ही बस मिलती है और हमारी नींद नहीं खुली, कैसे खुलेगी, इतना ज़्यादा थके हुए थे और नींद भी नहीं खुल पाई, और बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है यहाँ पर, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, मतलब 4 दिन से कंटिन्यू बारिश है। तो बाहर का माहौल देख लो एक बार, आपको पता चल जाएगा, मेरी आँखें भी देख लो कितनी नींद में हो रही हैं। ये पहाड़ों पर बर्फ भी देख सकते हैं और बारिश कंटिन्यू। अब जल्दी जल्दी फ्रेश होते हैं और जाते हैं। तो फाइनली हम 11:30 बजे होटल से निकल रहे हैं और बारिश बंद हो गई थी इस कारण लेट होगा, नींद पूरी अब आ रही है, आज तो इस यहीं पर ही रुकना है, इसलिए हम जल्दी नहीं गए, तो आराम से नींद करके आराम से रेडी होके जा रहे हैं। और एक चीज मेरे को देखने को मिली, कितनी ज्यादा ठंड है ये चीज देख लो, पंखे की जगह बल्ब लगा के रखा है इन लोगों ने, क्योंकि इधर पंखे की जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा ठंड है। अब सीधे बाहर चलते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। निकल चुके हैं और मौसम हल्का हल्का सा फिर से खराब होना चालू हो गया, पानी गिरना स्टार्ट हो गया। अभी बाहर आके देखा था पानी नहीं था, लेकिन अब निकल गए दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ जी के, तो बारिश गिरना चालू हुआ, इसलिए मैंने रेनकोट रख लिया, तेज आएगी तो मैं पहन लूँगा, ज़्यादा नहीं तेज आएगी तो नहीं पहनूँगा। उस सामने का नज़ारा देख लो, कितना ख़राब रास्ता हो रहा है। आप लोग भी आ रहे हैं ना, पूरी तैयारी से आना, केदारनाथ ट्रिप 4 धाम करना है, तो प्रॉपर जैकेट, प्रॉपर रेनकोट, दवाई गोली हर चीज़ साथ में लाना, और समय ज़्यादा होना चाहिए, कम समय में मत आना, समय ज़्यादा ही बना के आना। हमें 4 दिन हो गए, 4 दिन में 2 जगह ही घूम पाए। खराब सा रास्ता, फिसलन बहुत ज़्यादा है रे, ओए भैया, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बर्फ देख लो आप, उससे अंदाजा लगा सकते हो कितनी ज़्यादा ठंड होगी, 3 या 2 डिग्री टेम्परेचर है अभी। जी आ गई गर्मा गर्म चाय, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं दर्शन के लिए। मंदिर तो पहुंच गए, मंदिर बिल्कुल सामने देख रहा है, लेकिन लाइन देखोगे ना आप तो किलोमीटर तक की लाइन है, वो देख रहे हैं ना, ऐसी पूरी लाइन गई है। तब लाइन तक पहुंचते हैं फिर दर्शन करेंगे, दर्शन करने के लिए लाइन उधर बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ दर्शन करें, और जहाँ पर हम रुके बस स्टैंड से मंदिर ज़्यादा दूर है नहीं, 1 किलोमीटर दूर है, तो चलते हैं पास दिखाएंगे आप लोगों को। टिकट ले लिया दर्शन टिकट, अब जा रहे हैं लाइन में लगने, लाइन है 3-4 किलोमीटर की, तो आज तो बहुत सारी लाइन लगने वाली है, अब कितनी देर में दर्शन होते हैं वो आप लोग को बताते हैं। को देख के ऐसा लगता है मुझे, जहाँ से हम जहाँ हम खड़े होते हैं वहाँ लाइन खत्म होती है, ये देखो पीछे कोई नहीं और आगे 2 किलोमीटर तक दर्शन की लाइन है। कोई बात नहीं, अभी पट बंद करके रखे, पट खुलेंगे फटाफट दर्शन होंगे। इधर से आ गए, ये लगी थी, आ गए, ये आ गए, मौसम खराब हो चुका है। जय हो बद्रीनाथ महाराज की जय। बहुत अच्छे दर्शन हो गए, अंदर मोबाइल अलाउ नहीं होता है, और दर्शन होते होते हो गई है स्नोफॉल, और बहुत तेज बारिश हो रही है वो देख लो। तो ये देखो भाई स्नोफॉल हो रही है, ये है मंदिर बद्रीनाथ जी का, दर्शन बहुत अच्छे हो गए, ये हाल हो गए हमारे।
रहे जूतों की हालत बर्फ से जम गए। और ये है हमारी हालत, जैकेट पे भी बर्फ आ गई है, देखो मजा आ गया। और बाहर कितनी स्नोफॉल है आपने देखी, लिए देखो पूरे बर्फों में ढके हुए। दर्शन करके आके सो गए थे, अभी रात के बज रहे हैं 10, अब जा रहे हैं हम खाना खाने। खाना खाएंगे और सो जाएंगे, सुबह 4 बजे उठ के बस पकड़नी है ऋषिकेश के लिए, तो चलते हैं खाना खाते फटाफट। जी हमारा शाही खाना इस होटल में बहुत तरीके से खिलाते हैं यार, खाना मजा आ गया इस होटल में। गर्म पानी मांगो गर्म पानी देते हैं, दूध मांगो दूध भी देते हैं, क्या होटल है गाइस। मुंह से देख लो कितना धुआं निकल रहा है, कितनी ज्यादा ठंड है। सुबह के बज रहे हैं 6 और अभी पीछे का माहौल देख लो, ये देख लो। और हम जा रहे हैं अब बद्रीनाथ से ऋषिकेश। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ, अगर वो आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक बढ़िया से वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।